हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही जल्दी बनने वाला और टेस्टी आईवी ब्रेकफास्ट। अगर आप सिर्फ सिंपल पोहा खाकर बोर हो गए हैं और आपके पास ब्रेकफास्ट में अभी पोहा ही है बनाने के लिए, तो हम उसके अभी बनाएंगे पोहा कटलेट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है इसी तरह का एक कप पोहा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था 2 मिनट के लिए करीब, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और 5 मिनट के लिए पोहा को हम ऐसे स्ट्रेनर में ही रहने देते ताकि उसका एक्सेस में जो पानी है वो सूख जाएगा। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, बॉइल्ड पोटैटो हैं। इसको हम मैश कर लेंगे। ये सिर्फ जो मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, उसको मैंने मिक्सर में चला के थोड़ा सा कॉर्सली ग्राइंड कर लिया है। ये 1/2 कप है, मैं उसमें इसको मिला देती हूँ। थोड़े से स्पाइसेस हमें चाहिए, बहुत बेसिक से स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डालिएगा। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स डालिए, या मैं कुटी हुई चिली पाउडर ही यूज़ करती हूँ जनरली, तो मैं 1 टीस्पून से कम चिली पाउडर कुटी हुई है बेसिकली, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ये थोड़े से फेनल सीड्स या फिर सौंफ आप कह सकते हैं वो मैं डालूँगी, ये जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर या अनारदाना पाउडर जो भी आप डालना चाहें, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और इसको एक बाइंडिंग देने के लिए कॉर्नफ्लावर को हम रिप्लेस करेंगे राइस फ्लावर से। राइस फ्लावर इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन, तो हम इसमें राइस फ्लावर डालेंगे करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून। आप बाइंड करके देख लीजिएगा जितने उसमें जाए। पोहा हमारा स्ट्रेन हो गया है, इसका सब पानी निकल गया है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। पोहा में पानी ना रहे, अदरवाइज वो गीला हो जाएगा। सारे मिक्स, आप इसमें चाहें तो अपनी चॉइस की और वेजिटेबल्स थोड़ा सा बॉईल करके या ग्रेट करके मिक्स कर सकते हैं इसमें, वो भी अच्छा टेस्ट करता है। मैं अभी नहीं कर रही हूँ। शिमला मिर्च, कैरेट, ये देखिए, ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये मिक्स होने के बाद इस तरीके से आप छोटे छोटे इसमें से बॉल्स बनाइए। इसको जो भी आपको शेप देना हो, ओवल शेप देना हो, फिंगर्स का शेप देना हो, या ये मैं पेटल की जैसा शेप दे रही हूँ, इस तरीके से सभी इसको मैं ऐसे करके रेडी कर लूँगी। ये पैन में मैंने एक ऑयल ले लिया। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई करें, चाहे बेक भी कर सकते हैं आप 180 डिग्रीज पे, और या शेलो फ्राई कर लें। मैं अभी के लिए शेलो फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने डिफरेंट शेप में बना लिए हैं, ये इसको हम इस तरीके से, और एक बार में उतने ही डालिएगा कि जब आप उन्हें फ्लिप करें तो वो इजीली फ्लिप हो जाए। इसको हम सिकने देते हैं, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारे एकदम बढ़िया कटलेट सिक गए हैं। अब इन्हें हम मैं से टिश्यू पे निकाल लूँगी। इसमें जो पोहा डालने से जो क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस आता है ना, और जो नटी फ्लेवर आएगा जो हमने इसमें मूंगफली या ग्राउंडनट को पीस के डाला है, वो एकदम अमेजिंग टेस्ट करता है। मैं दूसरा से एक बार और रख देती हूँ, तब तक हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, और अभी जब आप इसे सर्व करेंगे तो मैं जनरली इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा और टेंगी फ्लेवर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है।
आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे भी खाइए, ये बहुत ही जल्दी और जल्दी बनने वाला और एक बेहद टेस्टी स्नैक्स है। आप इसे टी टाइम इवनिंग में खाइए, आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए, जब आपका दिल करे आप तब खाइए। डू शेयर योर रेसिपीज एंड कमेंट्स विद मी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी यूज़ करके आपके ये कटलेट्स कैसे बने। थैंक यू सो मच।